किंग के पेज पे। ये कैमरा तो एकल वाला था नहीं यार, मोबाइल से सही सही चला है। चेक करो कौन कौन है। एक मिनट नुमान है, बाकी कौन है? उस लड़के का क्या नाम है नुमान? उसका नाम क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही कर यार, जितनी और जितनी है वो गुलाम को भी नहीं बता रहे। अंदर से अंदर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जीपीएल एडिशन नंबर 9 मिनी जीपीएल का पहला ओवर मैच नंबर 2 जारी। शाबाश पर पहली बॉल डॉट तो यहाँ पर पहली बॉल डॉट हो चुकी है। बहुत ही अच्छा आगाज, वकार सामना करेंगे नुमान बिरोई। कमाल के बल्लेबाज हैं और उतने ही अच्छे गेंदबाज। कैसे अच्छी शॉट, स्लिप की जानब खेला, एक रन का इजाफा। तो यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर 1 बिना किसी नुकसान के। 2 बॉलों का खेल हो चुका है, काफ़ी अच्छा मैच जारी कबूल किंग के पेज पर और कमाल का मैच होगा और उतना ही अच्छा टूर्नामेंट अकरम कबूल की जानिब से। सलाउद्दीन सामना करेंगे काफी जबरदस्त गेंदबाज हैं, वकार काफी अच्छे पेस से बॉल करते हैं और एक बार फिर अच्छी शॉट और बॉल जाएगा लॉन्ग ऑन की जानिब 6 रन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी सलाउद्दीन की जानिब से। इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत, अगर काफी अच्छा आगाज सलाउद्दीन की जानिब से। हम है ना, शाबाश
बोल तो बैठा इतनी देर आज जो सामना करेंगे यहाँ पर सलाहुद्दीन, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, अब तक एक छक्का लगा चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अगर एक इस ग्राउंड में 120-130 रन बन जाते हैं तो काफ़ी। इस बार उन्होंने कहा शुड बी टेकिंग शकून लेफ्टी, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर कैच लेकर सलाहुद्दीन कीने का कर दिया खात्मा। ये टूट गया ना कल, मैं क्या करूं, चाबी से चाबी नहीं खड़ रही ना, यहाँ पे कुछ सेटिंग करता हूँ। अकरम चाहिए टेप पकड़ दो, बेल बॉल शाबाश शाबाश डब्ल्यू डी पकड़ दो रहेगा यार, ये भी है कल पता नहीं किसने तोड़ा अंदर पड़ा। मैं खुद लाऊंगा, मैंने बहुत कर लिया इंतजार, तुम लोगों ने बल लाऊंगा, ना उनके पास है ना उनके पास है ना तुम्हारे पास है। बॉल बॉय यार शरीफ से बारे नहीं हो रहेगा, इतने आधे घंटे से बैठा हुआ है यार। वेल बॉल शाबाश, पहले से इसकी सेटिंग कर लेता ना यार, मुझे क्या पता ये टूटा हुआ तो क्लिप बिल्कुल सही था कल, कल सही था ना, आज तो सही नहीं, क्या पता हमें हाथ रखा होगा, क्लिप लेके जाना अरे कपड़ों के। एक बार फिर इस बार खूबसूरत शॉट यहाँ पर इमदाद मक्सी का, ये पहला छक्का होगा। इसको सेटिंग कर और फिर उसके बाद इसकी जो है कैमरे को सेट कर। दो ओवर 19 रन, साउंड की तरह था ओवर रखी गया अरे कितना ये नाले की खड़ा आवे। इस बार दूसरे ओवर का इख्तिताम, बढ़ता स्कोर 19, एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्ले 19। अब जरा मुझे चेक करके बताएं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी लाइव पे, तो बॉलर ने अब देखना पड़ेगा कौन से बॉलर, आफ्ताब आफ्ताब मैगल को लेकर आए हैं। अब सामना करेंगे नुमान बिरोई, अब जरा मुझे बताएं आउट कौन हुआ है। आउट हुए थे पहले वो सलाहुद्दीन आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं, अब इमदाद मक्सी। चेक कर ले उधर से, चेक कर सामना करेंगे। अच्छा
देखना पड़ेगा। बॉल चली गई लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए एक और छक्का। यहाँ पर सही तो चल रहा है, कमेंट आ रहे हैं। शरीफ ने बॉलिंग कर लिया, बिल्कुल एक ओवर कर लिया है। आप सामना करेंगे फ्री हिट का मौका नुमान बिरोई के पास, इस बार बॉल, लेकिन अंपायर अपनी जगह पे खामोश। बिल्कुल बॉल इन स्विंग हुआ था, बॉल अंदर की जाने आया तो डॉट बॉल। लाइव साफ नहीं आ रहा, बिल्कुल लाइव कैमरा ही कुछ ऐसा है मोबाइल का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सामना करेंगे आज का, एक बार फिर सामना करेंगे नुमान बिरोई। आफ्ताब मैंगल दौड़ते हुए, इस बार से खूबसूरत कट शॉट, क्वार्टर गली के दरमियान से निकाल दिया बॉल, और फील्डर की काफी तवील चेज इस सिलसिला में 2 रन बना लिए। सामना करेंगे नुमान बिरोई, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद, इस बार देखना पड़ेगा यहाँ पर रन आउट होने का चांस, और बॉल बॉल बच गए। एक और राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ते हुए है, इस बार खेलने में कामयाब, इस बार वन बाउंस बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए एक और चौका। जुनेद जो कि मुझे जो कि कहते सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बढ़ता स्कोर 32 रन, तीसरे ओवर का खेल जारी हो सारी। नुमान बिरोई और इमदाद मक्सी अपनी टीम के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, आफ्ताब मैंगल, इस बार अपॉर्चुनिटी, शुड बी टेकन, और यहां पर कैच गिरा दिया। यहां पर 4 फील्डर थे गालबन, और बॉल उनके बीच में गिर गई। एक और रन का इजाफा, बढ़ता स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज सलाहुद्दीन आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार यहां पर देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा कि वाइड गेंद, बिल्कुल वाइट गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट, आफ्ताब, इस बार खूबसूरत शॉट, इस बार एक और मिडोन के ऊपर से दे मारा, बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए एक और छक्का। तीन के बाद बढ़ता स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, स्कोरर होना चाहिए, काफी महंगा ओवर साबित हुआ यहां पर आफ्ताब का, 21 रन दिए। चालीस चालीस
जल्दी कर जल्दी कर। अल्बन आरिफ हसनी को लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये है ना। नहीं, बस मसाज खिलाए ना कैसे। तो नए आने वाले बॉलर हैं अली रजा और सामना करेंगे नमान बिरोई। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब तक अपनी टीम के लिए और काफ़ी ज़बरदस्त खेल जारी। तीन ओवर में अगर 40 रन हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज से खेलते हुए, लगभग 13 की औसत से खेलते हुए, तो काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी जारी। क्योंकि अगर 130-40 बन गए तो यकीनी तौर पर अगली टीम के लिए काफ़ी मुश्किल। अली रजा सामना करेंगे नुमान बिरोई, इस बार खूबसूरत कनेक्शन बल्ले का, एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का नुमान बिरोई का। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए नुमान बिरोई और स्वागत किया यहां पर अली रजा का। राइट आर्म ओवर द विकेट, अली रजा सामना करेंगे नुमान बिरोई। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक किया था यहाँ पर, एक रन जरूर मिलेगा। पर फिर अली रजा सामना करेंगे इमदाद मक्सी, कमाल के बल्लेबाज हैं, जितने अच्छे बॉलर हैं उतनी ही अच्छी बैटिंग करते हैं। देखते हैं आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। मिड विकेट की जानिब खेला और फील्डर है मौजूद वकार खान, एक रन पर दोनों बैट्समैन इत्तफाक करेंगे। बिल्कुल काफी अच्छी बैटिंग अब तक जारी, 48 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। अगर 140-130 रन बन जाते हैं तो काफी फाइटिंग टोटल कहा जाएगा। सामना करेंगे नुमान बिरोई तोड़ते हुए, इस बार ऑप्शन से काफी बाहर, इस बार अंपायर का इशारा कि ये वाइड गेंद, बिल्कुल ऑप्शन से काफी दूर गेंद थी और नुमान बिरोई ने जाने दिया विकेट कीपर के पास, तो अंपायर का इशारा वाइड गेंद। एक बार फिर दौड़ते हुए अच्छी गेंद पढ़ के बाहर की जानेब, थोड़ा सा बाहर की जानेब मूव होते हुए गेंद और बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट गेंद, पहली डॉट गेंद, काफी अच्छी बॉल की थी यहाँ पर अली रजा ने। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ते हुए है, इस बार एक और अच्छी गेंद, यहाँ पर बॉल बॉल बच गए। शाबाश शाबाश शाबाश, एक और डॉट गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे नुमान बिरोई, इस बार खूबसूरत कनेक्शन, इस बार कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब, बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। एक और छक्का, बढ़ता स्कोर 55 4 के बाद एक विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिल रही है नादिर स्पोर्ट्स की जानिब से, इमदाद मक्सी और नुमान बिरोई की जानिब से। अब देखना होगा कौन से बॉलर को लेकर आते हैं। अल्बन वकार खान नमूदार होते हुए नए बॉलर। पचपन कहीं कहीं स्टार प्लेयर खेल रहा है। स्टेट
एक बार फिर वकार खान आए हैं बॉलिंग के लिए ओवर अपने कोटे का दूसरा और पांचवा ओवर करते हुए इनिंग्स का। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे, इस बार खेलने में कामयाब फील्डर दूर तो हुए आ रहे थे लेकिन आखिरी लम्हात में अपने इरादे को चेंज किया और यहां पर एक रन पर महदूद किया। अगर इस ओवर में कम से कम 10 या 12 रन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो गालबन काफ़ी बड़ा टोटल सजा सकते हैं क्योंकि नोमान बिरोई की विकेट बड़ी कीमती होगी मुगल स्पोर्ट्स के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे नोमान बिरोई, वकार दौड़ते हुए इस बार एक और शॉट की गेंद, एक और सिंगल यहां पर। आप सामना करेंगे इमदाद मक्सी, वकार से ओवर करवाना बोले बिल्कुल अभी एक वकार खान ही ओवर कर रहे हैं, सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ते हुए इस बार खूबसूरत शॉट, यहाँ पर किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए एक और चौका। और इस ग्राउंड पे भी मैचेस खेलने हैं यार, गबोल गबोल ग्राउंड वाले नाइम खान। राइट आर्म ओवर द विकेट एक बार फिर, इस बार आउट होने का चांस, फील्डर है पीछे बासित मुगल, कोई गलती नहीं की यहाँ पर, इमदाद मक्सी की विकेट जाती हुई इस बॉल पर, तो यहाँ पर दूसरा विकेट जाता हुआ इमदाद मक्सी की सूरत में। गालबन नए बल्लेबाज मुजीब सतानी नमूदार होते हुए दुकाना बाकी है, कितने ओवर हुए हैं, बिल्कुल पांचवें ओवर का खेल जारी है, सारी 61 रन हो चुके हैं, पांचवें ओवर की 2 गेंदें आने बाकी। राइट आर्म ओवर द विकेट मुजीब टू, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन पर खेलकर एक रन ले लिया। अब सामना करेंगे नुमान बिरोई, ओवर द विकेट दौड़ते हुए इस बार बॉल बॉल बच गए, यहां पर बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए स्लिप के कर फील्डर ने यहां पर कैच ड्रॉप किया था। सिक्सटी सिक्स रन 5 के बाद, सिक्सटी सिक्स टारगेट कितना है, टारगेट अभी दे रहे हैं। सिक्स डबल सिक्स नहीं लगा हुआ।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ पर फयाज मसूद आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए और उनका सामना कर रहे हैं डेंजर मैन मजीब सैतानी। एक अच्छी बॉल, कीपर है, एक रन जरूर लेंगे। नमान डबल के मूड में नहीं लग रहे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, आज काफी जबरदस्त मैच जारी, दोनों टीमों के लिए काफी अहम मैच होगा क्योंकि पहला ही मैच है। और हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं शकूर मरी, जो कि हर दिल अजीज शख्सियत हैं, काफ़ी मोहब्बत भरे इंसान हैं। तो प्याज ने फील्डिंग में कुछ रद्दबदल किया है, देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और यहां पर एक रन जरूर मिलेगा, काफ़ी अच्छी बॉल, शॉर्ट पिच बॉल की थी और काफी अच्छी गेंद। इस ग्राउंड में अगर 130-40 यकीनी तौर पर बन जाते हैं तो काफी अच्छा टोटल कह सकते हैं। फयाज मसूद एक बार फिर मजीब, ओह क्या बात है जी, फयाज मसूद आज कुछ अलग मोड में नजर आते हुए। तो आज मेरे साथ कमेंट्री भी करेंगे, काफी जबरदस्त शख्सियत है, तारीफ आज किसी वजह से कर रहा हूं। अच्छी शॉट और आउट हो जाएंगे, यकीन ही आउट। छक्का मारने गए थे और यहां पर आउट हो गए मुजीब सतानी। मुजीब सतानी ने जी बिल्कुल जी बिल्कुल मुजीब सतानी भी आउट हो चुके हैं। और ना आने वाले बैट्समैन है जी आरिफ हस्ती, काफी जबरदस्त बल्लेबाज हैं और देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं आज अपनी टीम के लिए। इस ग्राउंड में यही होता है कि पहले कुछ रन बन रहे होते हैं, उसके बाद फिर रन जो ही बैट्समैन आउट होते हैं तो बैट्समैन रुक जाते हैं। एक बार फिर आरिफ आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और देखते हैं आज किस तरह की बैटिंग करते हैं। फयाज मसूद आए और बॉल की शॉर्ट पिच बॉल और यहां पर फील्डर के लिए काफ़ी तवील चेज, लेकिन आउट फील्ड इसकी काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो। और यहां पर आरिफ ने दो रन मुकम्मल किए, कमाल की बल्लेबाजी। यहाँ पर अगर बात करें, फयाज मसूद है गेंदबाज जो कि अब तक काफी अच्छा ओवर कर चुके हैं, कमाल का ओवर इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। अगर बाउंड्री नहीं लगती तो ये एक बेहतरीन ओवर होगा फयाज मसूद की जानिब से। अच्छी बॉल, यहाँ पर ओवर का इख्तिताम, 6/70 रन, काफी अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर। एक बार फिर जी देखते हैं नए आने वाले बल्लेबाज।
बार फिर जी 6 ओवर के इख्तिताम पर 70 रन हो चुके हैं जी। नुमान बिरोही काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और आज देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पर शुक्र को वार्निंग है कि बार बार चिपका चिपकी नहीं करें वहाँ खड़े हो। तो भाई मेरे को मोहब्बत है उनसे बैठने में। मैं लाइव में बोल दूंगा। तो शरीफ छुट्टो आ चुके हैं जी गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे नौमान और अच्छी शॉट बहुत ताला टीम के कप्तान भी है आसिफ मुगल। इधर मौत एक बार फिर शरीफ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा शरीफ की जानिब से। पहली बॉल पर सिंगल सामना करेंगे आरिफ। अच्छी शॉट पॉइंट की जानिब खेले आउटफील्ड काफ़ी स्लो है लेकिन फिर भी चौका ज़रूर होगा। 4 रन के लिए खेल दिया आरिफ ने। तो अब तक शरीफ जो है 2 बॉलों पर 5 रन दे चुके हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 75। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो इस टीम में एक बेनिफिट ज़रूर है लेफ्टी प्लेयर ज़रूर है और ये कोई फील्डर नहीं रोक सकता 4 रन के लिए। तो बढ़ता हुआ स्कोर 79। काफ़ी ज़बरदस्त आरएफ की बात की जाए रन्स नहीं रोकते चौके छक्के जो भी आता है ये ज़रूर मारते हैं यकीनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आरएफ। एक बार फिर शरीफ सामना करेंगे आरिफ। ओह क्या बात है जी काफ़ी अच्छी वापसी अब तक 4 बॉलों पर 9 रन दे चुके हैं। काफ़ी ज़बरदस्त कमबैक शरीफ छुट्टों की जानिब से। एक बार फिर बॉलिंग के निशान से दौड़े आए बॉल की और बहुत ही अच्छी बॉल बहुत ही अच्छी बॉल काफी अच्छी बॉल 5 बॉल 9 रन काफी अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर होते हुए अगर ये बॉल अच्छी करते हैं तो यकीनी एक बेहतरीन और यहाँ पर अच्छा का नहीं सोचो जी 4 रन यानी कि 9 बॉल पे 4 रन और यहाँ पर 14 रन दे चुके हैं जी। काफी महंगा ओवर साबित हो सकता है। फ्री हिट का मौका आरिफ के पास क्या आरिफ छक्का लगाने में कामयाब होंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छी शॉट सेव करो बाउंड्री सेव करो मोइन है फील्डर अच्छी फील्डिंग बैकअप और यहां पर ओवर का इख्तिताम 15 रन पे ये ओवर निकला 85 पे पहुंच चुकी है जी टीम बहुत ही जबरदस्त फिनिश करते हुए 85 पे पहुंच चुकी है पूरी टीम 7 ओवर 85। सत्तर थे ना पहले 15 हाँ तो 9 थे चौका और 9 बॉल 5 है 14 हो गए एक सिंगल। तो 85 पे पहुंच चुकी है जी टीम। यहाँ पर अगर बात की जाए कमाल की अंपायरिंग करते हैं ये बहुत ही जबरदस्त एफर्ट बार बार कैमरे के सामने क्यों आ रहे यार मैं मना तो कर रहा हूँ भाई साहब नहीं मना हो रहे कौन कह रहा है ये कौन है
एक ही बंदा तुझे लाइक करते और कोई नहीं करता। बात नहीं करवा। एक बार फिर ताप और यहाँ पर लेग की जाने खेले, एक ही रन पर महदूद रखेंगे। नुमान जो है काफी सिंगल डबल पे वो नहीं करते, ज्यादा भागते नहीं है, छक्के चौकों के पीछे भाग रहे हैं जी। बिल्कुल जी, पहली इनिंग्स जारी, बढ़ता स्कोर 86। आफ्ताब मेंगल सामना करेंगे नुमान, देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं नुमान। फुल टॉस बॉल, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा आउट कर, और ये काफी करीबी मामला हो सकता था। अगर ये ट्रैक थ्रो होता तो शुक्र, ये क्या होता भाई, आउट था। तो शुक्र कुछ गलत नहीं बोलते। मोहब्बत एक बार फिर आफ्ताब, अच्छी बॉल, एक रन जरूर मिलेगा। फंबल हुआ लेकिन नमान नहीं दौड़ते, काफी अच्छा ओवर, तीन बॉलों पर अब तक तीन रन दे चुके हैं, बढ़ता हुआ स्कोर 88 जी। बिल्कुल आपको बता दें जी, 200 रन कभी नहीं बनेंगे जानी, 150 140 जिस दिन हुए तो वो एक बेहतरीन टोटल होगा जी। और यहाँ पर करीबी, क्या कैच है जी, व्हाट अ कैच, एक बेहतरीन कैच होगा जी। काफी बड़ी इनिंग्स खेलते हुए नुमान बिरोही, लेकिन आधा शॉट लगा और यकीनी आउट ही होना था, तो यही होना था भाई, इन्ना लिल्ला। तो यहाँ पर आउट हो चुके हैं जी एक बार फिर। जी बिल्कुल आपको बताते चलें कि पहली इनिंग्स का खेल जारी है और काफी जबरदस्त बैटिंग नुमान बिरोही की जानिब से। जी जी, आठवां ओवर है, आठवां, तो आठवें ओवर का खेल जारी। अब तक डेंजर मैन आरिफ हसनी मौजूद विकेट पर। तो यहाँ पर एक और बल्लेबाज नमूदार हो चुके हैं, चाकर मरी, देखते हैं चाकर मरी किस तरह की बॉलिंग बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। तो मरी काफी खुश होंगे, चाकर मरी आ चुका है। ये फिक्सिंग हो रही है, अपनी जबान में क्यों बोल रहे हो, उर्दू में बात करो ना। मैंने बोला मार नहीं पकड़ रहा। वाह वाह, तो यहाँ पर अगर बात करें चाकर मरी भी आउट हो सकते हैं, फील्डर है मौजूद लेकिन काफी दूर, काफी दूर। चाकर मरी छक्का मारने के पहले ही बॉल पर, कमाल के बल्लेबाज है जी। तो अकील है, अकील बिरोही जी कीपर हैं जी, देखते हैं किस तरह। क्या बात है जी, बॉल घूमेगी, एक ही रन, बहुत ही जबरदस्त ओवर इख्तिताम पजीर। 91 पे पहुंच चुके हैं जी, 8 ओवर 91। शुक्र मरी जरूर समझाने जाते हैं, मैं इस बात की दाद देते हैं हम। एक बार फिर काफी जबरदस्त स्टार्ट था, ऐसा लग रहा था कि 150 प्लस जरूर बनेगा, लेकिन ऐसा होते हुए
नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पर सलाह मशवरा जारी, अकील विरोही जो कि आज कीपिंग करते हुए अपनी टीम के लिए, इसके भाई भी कीपिंग करते हैं और ये भी खानदानी कीपर हैं जी, ऐसे है अकील भाई, खानदानी कीपर हैं ये, तो ये पैदा ही कीपिंग के लिए हुआ है दोनों भाई, तो कह सकते हैं। तो मोइन को दे दिया है ओवर, देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। हार्ड बॉल के तो ये यकीनी तौर पर बॉलर हो सकते हैं, लेकिन टेप बॉल में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं आज देखना बाकी। यहाँ पर मोइन को लाए हैं, मोइन सरेकी काफ़ी ज़बरदस्त हार्ड बॉल तो ज़रा अच्छी खेलते हैं, लेकिन टेप बॉल में ये इनका पहला ओवर देखेंगे जी। नहीं नहीं मार मार और ये आउट हो जाएंगे, लेकिन खुशकिस्मत रहे। मरी है ना, देख कौम परस्ती कर रहा है तू। काफ़ी अच्छी बॉल, काफ़ी स्लो बॉल था और समझने में काफ़ी टाइम लगा चाकिर मरी को एक बार फिर। और यहाँ पर फुल टॉस बन गई, ये भी यार करना चाह रहे थे और आज का ये सबसे बड़ा छक्का होगा। ये भी भाई मरी ने मारा है जी, चाकिर मरी मार सकता ही था इतना बड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात थोड़ी गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी मान लेते हैं। मरी ये टीम मेरे ख्याल में फिक्सिंग कर रहा है। एक बार फिर मोइन बॉलिंग के निशान से दौड़े, सामना करेंगे चाकर। फुल टॉस बॉल ये भी थी लेकिन ये स्लो बॉल थी, समझने में बिल्कुल नाकाम रहे चाकर मरी। अब क्या कहेंगे जी बैट्समैन के बारे में? शुक्र भाई, शुक्र साहब, भाई भाई तो नहीं, शुक्र साहब क्या कहेंगे, ये बॉल छोड़ने वाली थी या छक्के वाली? छक्के वाली थी। तो इसको आप समझाएं ना। एक बार फिर अल्लाह अकबर जी, ये है सबसे बड़ा छक्का जी, आज के दिन का सबसे बड़ा छक्का कह सकते हैं, क्योंकि मरी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, ढीले नहीं कर शाबाश, ढीले नहीं कर, स्लो बॉल की और उसका पूरा फायदा उठाया चाकिर मरी ने। काफी जबरदस्त आगाज चाकिर मरी की जानिब से और बॉलर ने साइड चेंज करने का फैसला कर लिया। मोइन एक बार दौड़े, अच्छी बॉल, एक रन से, एक ही रन पर इत्तेफाक करेंगे दोनों बल्लेबाज। तो यहां पर अगर बात की जाए आज के मैच की तो काफी अच्छा मैच हो सकता है। एक तरफ मायनाज बैट्समैन शकूर मरी भी आज इन एक्शन होंगे, मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। और ये अंपायर का इशारा नो बॉल, तो नो बॉल दे दीजिए, फ्री हिट का मौका आरिफ के पास, खराब है वो फ्री हिट आरिफ के पास। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि रन्स काफी कम हुए। अब अगर मैच जिताना है तो इस बॉल पे यकीनी छक्का लगाना होगा। फ्री हिट इधर मार, स्कोर एक सौ चौदह पे पहुंच चुके हैं जी। काफी जबरदस्त आगाज, अगर 10-15 रन इस ओवर में आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत ही अच्छा टारगेट कह सकते हैं आज के मैच के लिए। ये काफी अच्छा टारगेट होगा क्योंकि 130 रन बहुत ही बड़ा टारगेट है इस ग्राउंड में।
जी बिल्कुल, और यहाँ पर फयाज मसूद आए हैं इनिंग्स का आखिरी और अपने कोटे का भी आखिरी ओवर करने के लिए। फयाज मसूद, इस बॉलर के बारे में क्या कहेंगे? शुक्र कितने खाएगा? इंशाल्लाह 10 के अंदर अंदर निकालेगा। वाह जी वाह, बड़ी बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई बंदे को जी, 10 पे निकालेगा। फयाज सामना करेंगे चाकर मरी और पैर का इशारा, वाइड बॉल। चाकर मरी ने काफी हलचल मचा दी है मैच में, दो छक्के मार के अपनी टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ रवा दवा लेके चलते हुए। और ये कैच हो सकता है, हवाएं आ गया तेरो। शरीफ छुट्टो, क्या बात है शरीफ छुट्टो, शरीफ छुट्टो ने क्या कैच पकड़ा है जी। जी बिल्कुल, टैलेंट की कोई कमी नहीं है क्योंकि ग्रास ग्राउंड है जी भैया, तो ग्रास ग्राउंड का मतलब होता है कि आप डाइव भी कर सकते हैं। और ये अगर ये कोई और ग्राउंड होता तो इस तरह कोई भी नहीं गिरता, तो इसलिए मजे ले रहे हैं सब, एंजॉय करते हुए मैंगल क्रिकेट स्टेडियम को। बिलावल भुट्टो स्टेडियम है जी ये, गुलशन है म्यांमार के साथ, थारो मैंगल गोट में है वाकई कराची। और आपको बताते चले कि बैट्समैन नेम क्या है भाई, अर्शद, अर्शद। नए आने वाले बल्लेबाज अर्शद आ चुके हैं, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 5 बॉलों का खेल बाकी, और यहां पर एक और कैच गया है लेकिन एक रन पर महदूद रखेंगे। बैकअप बैकअप, तो यहां पर सीनियर प्लेयर मौजूद आरिफ, देखते हैं 4 बॉलों का खेल बाकी। अगर ये 2 छक्के भी लगाते हैं तो काफी बड़ा टोटल हो जाएगा। अच्छी शॉट, एक ही रन पर महदूद हो सकते हैं, और मिस फील्डिंग, और यहां पर 4 रन मिल गए। इस रसना में काफी बेनिफिट होगा बैटिंग साइड के लिए क्योंकि तो सुपर बॉल, सुपर बॉल जी फयाज मसूद। आरिफ हसनी देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। सुपर बॉल तो यकीनी तौर पर ले चुके हैं, अगर आउट हुए तो दोनों को घर जाना पड़ेगा। और ये जी लो जी, क्या बात है जी, ये मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था, ये चाकर मरी ही यानी कि मरी मार सकते हैं, लेकिन लो जी हसनी ने भी मार दिया। भाई जान क्या कहेंगे, तो हार नहीं मानेगा ये भाई, हमारा दोस्त है। तो एक बार फिर इनसाइड एज, और ये जी मिस फील्डिंग। यार यहाँ पर आउट भी हो सकते थे लेकिन बाल बाल बचे जी, क्या बात है। आरिफ हसनी ने दिल जीते हैं भाई, जिस तरह की बल्लेबाजी की आज आरिफ ने, यकीनी तौर पर काबले दीद, और इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत टीम को। वाइड बॉल या आउट, आउट। तो यहां पर टोटल पूछ क्या, 126 रन बनाने होंगे जी मुगल स्पोर्ट्स की टीम को। नादिर स्पोर्ट्स काफी अच्छा टोटल सजाने में, एक एक बताओ। एक सौ छब्बीस रन का टारगेट सजाने में कामयाब रही नादिर स्पोर्ट्स की टीम। तो यहाँ पर अगर बात की जाए नादिर स्पोर्ट्स की बॉलिंग लाइन की, तो काफी अच्छे गेंदबाज इनके पास भी मौजूद,
लेकिन अगर बात की जाए एक बेहतरीन गेंदबाज इमदाद मक्सी और नादिर सॉरी नुमान बिरोई, ये दो बॉलर ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास आरिफ बिरोई कमाल की गेंदबाजी इनके पास भी मौजूद। तो यहाँ पर नदीम भाई भी आ चुके हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं सीनियर क्रिकेटर नदीम भाई। और गडाप टोन में अगर बात की जाए कमेंट्री भी कमाल की करते हैं, नदीम भाई को वेलकम कहते हैं जी। शुक्रिया करम भाई, आए बैठे। नहीं नहीं आप बैठे, मैं आप सिर्फ जूम चेक कर रहा हूँ आपका, कितना जूम है ना? जूम बिल्कुल ठीक है, जूम ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं एक दो बोले चेक करूंगा। कौन से पेज पे चल रहे, कितने लोग देख रहे? 15 लोग देख रहे माशाल्लाह से भाई। जूनियर लीग GPL एडिशन नंबर 9 इस वक्त जारी है और आज के मजमूई तौर पर पहला मैच है और एक ही मैच खेला जाएगा, मुगल स्पोर्ट्स वर्सेस खान स्पोर्ट्स या नादिर स्पोर्ट्स। नादिर स्पोर्ट्स 126 रन बनाए मुगल स्पोर्ट्स की टीम ने, अब 127 रन का हदफ है। देखना होगा कि किस तरह की बैटिंग करती है अगली टीम। अकरम गबोल हमेशा की तरह स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ जो है अपने रूल्स बड़े कॉमन है कि वो अपने रूल्स बड़े अच्छे अंदाज से फॉलो करते भी और करवाते भी है। इसीलिए जो है GPL के जितने भी एडिशन है अब तक कामयाब और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन इसमें होती है। अब दोनों ओपनर्स का इंतजार है, देखना होगा कि कौन से दो ओपनर्स होते हैं जो आते हैं नादिर स्पोर्ट्स की तरफ से। इस वक्त सलाह मशवरा जारी है टीम की जानिब से, 126 रन किस तरह डिफेंड करना है ये प्लानिंग जारी है इस वक्त। नदीम भाई, जो आज एक फैसला हुआ है CPL सेमीफाइनल का, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अकरम भाई देखिए, CPL जो गार्डन सिटी में खेला जा रहा था पिछले दिन जो है कुछ उसमें एक मैच में थोड़ा सा मसला आ गया था, यहाँ 3 गेंदों पर कोई 20 रन दरकार थे, 3 गेंदों पर 20 रन ज्यादा दरकार थे और अंपायर ने वाइड नहीं दिया और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो नेक्स्ट टीम जो है आमिर भाई की थी, वो बाहर चली गई मैच छोड़कर। तो आमिर भाई के मुताबिक 15 रन दरकार थे 3 गेंदों पर, जबकि अकरम भाई का कहना था कि 3 गेंदों पर 20 रन। तो उसका आज फैसला कर दिया गया यहाँ पे फतेह मंगल की सरबराही में, अकरम गबोल मैं और फैज भाई भी थे उसमें। ये फाइनल हुआ है कि वही दो बैट्समैन आएंगे और जो बॉलर करा रहे थे 3 गेंदे वो कराएंगे और उनको बनाने 3 गेंदों पर 14 रन, ये फाइनल फैसला है। अब डे ये सिलेक्ट करेंगे अकरम भाई और आमिर भाई आपस में। दोनों ओपनर्स आ चुकी है नादिर स्पोर्ट्स की और उम्मीद करते नादिर की फील्डिंग है, बल्कि मुगल स्पोर्ट्स की दोनों ओपनर्स आ चुकी है। लो जी आते हैं मैच की तरफ, नादिर स्पोर्ट्स वर्सेस मुगल स्पोर्ट्स, दोनों टक्कर की टीमें आमने सामने GPL की मजबूती तौर पर। आज का पहला और एक ही मैच खेला जाएगा आज के दिन का, देखना होगा। दोनों ओपनर्स अकील जो कि वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडर्स ऑफ गडाप जिनको कहा जाता है,
और आली में उनके बड़े अच्छे इनिंग्स हमने देखे है लाइव, जो कि 2 से 3 अच्छे इनिंग्स मैंने खुद देखे अकील के, और फयाज मसूद जो कि स्ट्राइक करेंगे। बॉलिंग का आगाज़ करेंगे नादिर सलाहुद्दीन, बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। विकेट कीपर मुजीब सातानी स्लिप में मौजूद है। नादिर भाई मुजीब की बात कीजिए, कीपर बहुत ही ज़बरदस्त है और ऐसा नहीं लगता कि वीआईपी कीपर, अगर भारी भरकम कीपर होंगे तो हमारे मुजीब भाई होंगे, ऐसा ही है ना। चलो भी मुजीब भाई की वाकई तारीफ करनी पड़ेगी, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे और इमदाद मक्सी भी इस टीम का हिस्सा है, बड़े अच्छे ऑलराउंडर है। नौमान भी एक अच्छे ऑलराउंडर नादिर स्पोर्ट्स की, जो कि इनके स्टार भी है। तो यकीनी तौर पर ये मैच यकीनी तौर पर बेहतरीन टक्कर का मुकाबला हो सकता है। पहला बॉल खेलने के लिए तैयार है फयाज मसूद लंबे रनअप के साथ, सलाउद्दीन के हाथ में है गेंद और सर्कल के जो 3 ओवर में क्या फायदा उठाती है बैट्समैन ये देखना होगा। अंपायर ने कहा कि रेडी, अवध विकेट गेंद करेंगे सलाहुद्दीन लंबे रनअप के साथ, दराज कद के मालिक सामना करेंगे। पहली गेंद हाथ से निकल गया, डेड बॉल होगा यकीनी तौर पर, बहुत तेज गेंद कराते हैं सलाहुद्दीन। नादिर स्पोर्ट्स वर्सेस मुगल स्पोर्ट्स, 126 रन के तहकुब में मुगल स्पोर्ट्स की टीम। पहली गेंद जोरदार लगा ली गई थी लेकिन पूरी तरह टाइम नहीं कर सके, फील्डर वहां पे मौजूद है इमदाद मक्सी ने गेंद को फील्ड किया। जिस तरह ये हिट करने गए थे बड़ा लंबा चक्का लगाने की कोशिश में थे लेकिन कामयाब नहीं हुए अपने मकसद में बैट्समैन फयाज मसूद। एक बार फिर उनके लिए स्ट्राइक का मौका है और नौमान ने भी कुछ टिप्स दिए पहले गेंद के बाद सलाउद्दीन को, अब कुछ मुख्तलिफ देखना होगा। जी हाँ बेहतरीन कैच फयाज मसूद, बड़े हिट लगाने की तलाश में अपनी विकेट खो बैठे, यहाँ पे विकेट नंबर 1 यहाँ पे गिर चुका है, पहला नुकसान मुगल स्पोर्ट्स की टीम को। फयाज मसूद बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अब हमारे व्यूअर्स वही 15 व्यूअर्स इस मैच को देखते हुए, तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि ये अगर आप मैच देख रहे हो तो आप इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि रेगुलर यही पेज चलेगा पूरे GPL की एडिशन नंबर 9 में। और कामयाब बॉलर यहाँ पे सलाउद्दीन, स्लिप में बेहतरीन कैच किया इमदाद बख्शी ने और कोई और मुजीब बैट्समैन नालो पुतीजा मोहिन 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 नए बैट्समैन मोहिन आए बैटिंग करने के लिए नौमान बिरोही तकरीबन हर बैट्समैन के बारे में अच्छी बखूबी जानते हैं, इसलिए बॉलर को बार बार मशवरा दे रहे हैं कि कौन से बैट्समैन को क्या गेंदे कराएंगे आप। सलाउद्दीन बेहतरीन बॉल, गेंद आई विकेट कीपर के पास, मोहिन यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ये गेंद वाइड है लेकिन बेहतरीन फैसला अंपायर का, अंपायर फर्स्ट क्लास अंपायर अब्दुल हफीज हमेशा की तरह उनका साथ दे रहे इस्माइल खान। इस पूरी GPL एडिशन नंबर 9 में यही 2 अंपायर आपको नजर आएंगे। सलाउद्दीन इस बार उठा दिया पूरी टाइम के साथ, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, पहला छक्का होगा ये इस इनिंग्स का, निशाना से बट के गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इसी तरह की हिट्स लगाने होंगे, अक्सर यही कहा जाता है मेंगल क्रिकेट ग्राउंड। इस बॉल के बारे में आपको मजीद बताते हैं, जी हाँ बेहतरीन ड्राइव लेकिन नौमान वहां पे मौजूद है, 1 रन का मजीद इजाफा होगा। अब स्ट्राइक करेंगे लेफ्ट हैंडर अकील, जिनके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा उम्मीद है शायकी क्रिकेट को अकील की बैटिंग पर, क्योंकि ये बड़े अच्छे गड्ढा आपके बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बैट्समैनों में इनका शुमार होता है। और बिलावल भुट्टो क्रिकेट स्टेडियम
अक्सर यही कहा जाता है कि यहाँ पे चेस करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन ये 1:30 बजे चूंकि 2 बजे ये मैच खेल जा रहा है तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती। ये है अकील, ये है अकील, पहला गेंद, पहला चक्का, तो 2 छक्के लगे इस ओवर में। अस्मिल भाई स्कोर पूछ लेना, स्कोर जरा कंफर्म कर देना। 13-13, तो 13 रन आए इस ओवर में अकील के, जिन्होंने एक विकेट भी हासिल की फयाज की, गालिबन सलाउद्दीन की। अब देखना होगा इनिंग्स का दूसरा ओवर, मुझे लगता है कि इमदाद बख्शी को यहाँ पे जिम्मेदारी दी है। देखना होगा इमदाद बख्शी किस तरह की बॉलिंग करती है। एक सिंगल है, 2 छक्के है। कंटिन्यू करेंगे, राउंड द विकेट गेंद करते हैं, पहला गेंद स्लो ओवर गेंद, इनका भरपूर कनेक्शन किया 6 रन के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक, स्लो गेंद थी जिनका भरपूर फायदा उठाया इमदाद ने, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। कैमरा थोड़ा सा घुमाओ बैट्समैन की तरफ, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है कैमरा। अब रिजल्ट बताइएगा इमदाद, एक मरतबा फिर इस बार ऑफ साइड ऑफ स्टंप, यकीनी तौर पर वाइड करार देंगे अंपायर इस गेंद को, गेंद चली गई वाइड के लिए। बरकत गबोल बलोच, रिजल्ट साफ नहीं है कैमरे का। स्क्रम्बल लुक्स लाइक एक और विकेट, जमीर बल्कि कदीर थे, विकेट मिल गई यहाँ पे, एक और नुकसान। कादिर अली हमें मैसेज कर रहे हैं अब्बास बिरोही गोट से, कादिर अली को बताते चले कि आज का मैच मुगल स्पोर्ट्स और नादिर स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जा रहा है। नादिर स्पोर्ट्स में नौमान बिरोही जो कि स्टार है, जबकि मुगल स्पोर्ट्स के वकार जो कि फास्ट बॉलर है वो स्टार है। अब्दुल लतीफ बिरोही ने भी हमें ज्वाइन किया है, दाऊद खान झोकियो ने भी हमें मैसेज किया है, टारगेट बताइएगा 126 का टारगेट है मार्स तहा। उस्ताद नदीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नेमत खान, फखैर रागले, शुक्रिया नेमत खान आपके सलाम का जवाब हमने दिया है। तो 126 रन के तहाकुब में अब तक 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर, अब नए बैट्समैन, बैट्समैन नेम प्लीज। अल्लाह रखा भाई बैटिंग करने के लिए। देखना होगा इमदाद बख्शी ने चक्के के बाद बेहतरीन कमबैक किया और विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए। इमदाद ओवर द विकेट, बड़ी अच्छी गेंद, तेज गेंद, अंदर आती हुई इस गेंद को दिफाई अंदाज से धकेल दिया बैट्समैन ने, रन बनाने का मौका नहीं होगा। लेकिन इस मैच का मैं समझता हूं असल जो फैसला करेंगे वो नॉन स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर अकील, जिनकी विकेट बहुत अहम होगी। लेकिन एक और बैट्समैन तो बहुत है, लेकिन शकूर लेफ्टी भी लेफ्ट हैंडर है, तो लेफ्ट हैंडर के लिए बड़ा साजगार ये ग्राउंड है। और निस फील्डिंग इस असला में 2 रन बने, क्या तीसरा रन लेंगे? नहीं जी, 2 ही रन पर महदूद रखा है। और जो जो लोग ये मैच देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मैच को देख सके। इमदाद बख्शी मजबूत तौर पर अपने कोटे का पहला ओवर कराने में मसरूफ, जबकि इनिंग्स का दूसरा ओवर करा रहे, 126 रन का टारगेट है। अकील ने एक ही बॉल स्ट्राइक किया है और छक्का लगाने में कामयाब हुए अब तक। वाओ स्लोवर गेंद, खुशकिस्मत रहे बैट्समैन,
एक ही रन का इजाफा होगा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा टीम के कैप्टन नादिर की जानिब से। विकेट कीपर मुजीब सातानी ये समझाती हुई कि किस तरह की फील्ड तरतीब देनी है आपको लेफ्ट हैंडर के लिए। इमदाद अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार, सामना करेंगे अखिल। बेहतरीन गेंद लेकिन लेग स्टंप से बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है। इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी, 126 रन के तहकुब में जिस तरह हम बता रहे थे अकील असल फैसला करेंगे इस मैच का। इमदाद छोटे रन के साथ स्लोवर गेंद, वाओ दिस इज वे वे बैक, बहुत ही लंबा चक्का। अगर मैं कहूं ये टूर्नामेंट का सबसे लंबा चक्का तो कतई गलत नहीं होगा। गेंद आई स्लॉट पे और पूरी तरह टाइम किया, कनेक्ट किया इस गेंद को अकील ने। अकील अब तक तीन गेंदे गालिबन दो गेंदे के लिए और दो छक्के लगाए, बड़े खतरनाक साबित होते हुए। अब दूसरे बैट्समैनों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे अकील को। भरपूर करारा जवाब इमदाद को उसकी स्लो डिलीवरी का। इस्माइल खान स्कोर बताइएगा। 25 रन हो चुके हैं दो ओवर के खिताब पर। अब्दुल लतीफ बिरोई जीएम फाइटर के बड़े अच्छे बैट्समैन और कैप्टन, वो भी इस मैच को लाइव देखते हुए। नेमत खान नूर 11 के फास्ट बॉलर, गालिबन 30 रन हो चुके हैं 30 दो ओवर के अख्तिताम पर। अब बकायमंदा 96-96 रन दरकार होंगे, बकायमंदा 8 ओवर का खेल बाकी है। अगर बॉलिंग के शोबे में बात की जाए तो जिस तरह मैं बात कर रहा था आरिफ बिरोई का, गड्डा के बेहतरीन बॉलर आरिफ बिरोई, एक और शख्स ने हमें ज्वाइन किया है फरीद बलोच, उनका कहना है कि नवीद को बैटिंग पे लाओ। नवीद देखना होगा कि नवीद आते हैं बैटिंग पे या नहीं, ये फैसला कैप्टन करेंगे आरिफ। फुल टॉस डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल का मतलब फ्री हिट। अगर मैच विन करना है तो नवीद को बैटिंग पे भेजना होगा, ये कह रहे हैं फरीद बलोच। आज ही अकरम ने हमें ज्वाइन किया है, कल के मैच के हीरो, 3 विकेटें हासिल की और 1000 रुपये का इनाम भी मिला। वेलकम करते हैं आज ही अकरम को, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। एक बार दबा फिर आरिफ बड़े खतरनाक अंदाज से गिरते गिरते बच गए यहाँ पे, क्योंकि मैंगल क्रिकेट स्टेडियम का ये पिच खास तौर पे बड़े खतरनाक है बॉलर्स के लिए, काफी स्लीपी। एक बार दबा फिर ये गेंद, घूमते रह गए बैट्समैन, बीट हो गए यहाँ पे। यार कैमरा रिजल्ट बहुत खराब है, अगर भाई कुछ करे जी, कैमरा रिजल्ट खराब है। असल में आज ये कुछ हमारे मोबाइल का भी मसला है, अरिया भाई कह रहे हमें कैमरा रिजल्ट का आज गुजारा करे, कल इंशाल्लाह जो है आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बासित अली ने भी हमें ज्वाइन किया है, बासित को चाहिए कि बैटिंग करने आए, चलो देखते हैं कि बासित भाई बैटिंग करने के लिए आते या नहीं। आरिफ बेहतरीन कमबैक नौ बॉल के बाद आरिफ का, इस मरतबा क्लीन अप किया यहाँ पे आरिफ ने, क्या ये स्लोवर डिलीवरी था, बिल्कुल बैट्समैन कतई नहीं समझे इस गेंद को, बोल्ड हो गए। एक और नुकसान यहाँ पे, एक और नुकसान जी। अब पवेलियन से नमूदार देखना होगा कि कौन से बैट्समैन जिनको एतमाद, जिन पे एतमाद करते हैं कैप्टन। मुझे लगता है आफ्ताब मैंगल होगा, आफ्ताब मैंगल जूनियर, जो कि बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की अपनी टीम के लिए। आज ही अकरम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी हाँ शकूर लेफ्टी है पवेलियन से नमूदार। अब्दुल रहीम भी मुस्कुराती हुई आज ही के इन अल्फाज पे,
अजी यू आर राइट। बासित कहाँ है जी? अकरम भाई बासित कहाँ है? बासित मुगल बिल्कुल वो उधर बैठे हुए हैं। अपनी टीम की टीम को ज्वाइन किया है बासित मुगल ने, अभी तक बैटिंग के लिए नहीं आए क्योंकि बड़े अच्छे बैट्समैन मौजूद है अभी तक। आफ्ताब मेंगल का भी आना बाकी है। ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। कितने आउट है उस्ताद? आजी साहब 3 आउट हो चुके हैं अब तक, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 126 रन की तहकुब में इनिंग्स का तीसरा ओवर जारी, 2 ओवर में 30 रन थे। अब तक आरिफ बिरुई की कमाल की बॉलिंग जारी, लेकिन मैच का असल फैसला ये दो लेफ्ट हैंडर्स करेंगे, शकूर और उनका साथ दे रहे अकील। रहमतुल्लाह ने भी हमें मैसेज किया है, टारगेट दे चुके हैं जनाब। सेकंड इनिंग जारी है। वाओ शॉट ऑफ द डे, ये है शकूर लेफ्टी, कमाल का स्ट्रोक। खामोशी का बिल्कुल बाइकॉट हो गया स्टेडियम में। यहाँ पे तेज गेंद थी ऑफ साइड पर, ऑफ साइड पर इस तरह की स्ट्रोक जब लेफ्ट हैंडर्स खेले तो वो यकीनी तौर पर दिलकश नजर आता है। मीर नाइस जोकियो ने भी हमें मैसेज किया है, जोरदार हिट लगाने गए लेकिन कामयाब नहीं हुए। सर नदीम अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अनस वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह ने भी मैसेज किया है, टारगेट दे रहे बिल्कुल चेस कर रहे जनाब। मीर नाइस जोकियो सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। इस मरतबा यॉर्कर लाइन फील्डर वहां पे मौजूद है नौमान। आजी अकरम का कहना है कि की विकेट्स दोनों, बिल्कुल जनाब की विकेट्स दोनों मौजूद है, दोनों लेफ्ट हैंडर्स, ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स मैच का असल फैसला करेंगे। इरफान अली ने हमें मैसेज किया है, टारगेट 126 रन का टारगेट है, 3 ओवर मुकम्मल हो चुकी है। इस्माइल स्कोर बताओ, 126 रन के तहकुब में अब तक 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 38 रन हो चुके, यानी कि 8 रन बने इस ओवर में, 3 ओवर में 38 रन हो चुके जनाब। अब बकायदा 7 ओवर का खेल बाकी है। नौमान ने कितने बनाए, कितने किए जनाब? नौमान ने 4 से 5 छक्के तो जरूर लगाए नौमान ने, लाई का 35 से 40 रन जोड़े अपनी टीम के लिए। उसके बाद जी है सलाम मिस्टर समझ ले, वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर शाह कहते हैं कि क्या हाल है सर नदीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अभी लोग बढ़ गए जरा, 15 से 18 लोग ने हमें ज्वाइन किया है। कैफ मेंगल ने भी हमें ज्वाइन किया है अभी। आज का सेकंड जो मैच है वो एक सेमीफाइनल मैच होगा। जी हाँ, नादिर ने आते ही कमाल दिखाया, विकेट कीपर के हाथों में आसान सके शकूर लेफ्टी का यहाँ पे खात्मा इनिंग्स का। एक और नुकसान बड़ा दचका यहाँ पे। आज का यहाँ पे जो दूसरा मैच खेला जाएगा वो चैलेंजर्स कप जो जारी था उसका सेमीफाइनल, सन ऑफ बिरोही बामुकाबला अल्ताज होगा। और इससे पहले मैंगल 11 की टीम जो जगह बना चुकी है फाइनल में, तो देखना पड़ेगा सेमीफाइनल में सन ऑफ बिरोही और या तो अल्ताज अपनी निशस्त कंफर्म करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वो मैच शाम 4 बजे आज होगा। जीपीएल के एडिशन में आज सिर्फ एक ही मैच है, जबकि कल 2 मैचेस होंगे। कल गैलेक्सी ग्रामर की टीम भी है तो कल गैलेक्सी ग्रामर का भी मैच होगा। मैसेजेस हमें आ रहे हैं, वकार ने कितने विकेट लिए? वकार ने 1 से 2 विकेट तो लिए जनाब, वकार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। यार तनवीर कहाँ है? तनवीर तो नहीं आया अभी तक बैटिंग पे, अब आए बैटिंग के लिए जनाब। कौन आए? जी हाँ, आफ्ताब मेंगल जूनियर आए। यकीनी तौर पर जब आफ्ताब मेंगल आएंगे तो एक कैमरामैन का भी इजाफा होगा ग्राउंड में। क्योंकि आजकल के यंग क्रिकेटर्स जो है वो टिकटॉक को बड़े पसंद करते हैं और अपने चाहे वो चक्का एक भी लगाए तो टिकटॉक पे लाजमी आपको नजर आएगा। तो यही क्रिकेट की खूबी है, बड़ा अच्छा मैं महसूस होता है कि आजकल के यंग नौजवान जो है क्रिकेट की तरफ जा रहे। नादिर दरासकत के मालिक, ये है आफ्ताब, वन बाउंस, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। आफ्ताब जूनियर जो कि मुंडा के नाम से मशहूर, बड़े अच्छे आल राउंडर बैट्समैन है,
खतरनाक बैट्समैन है, चक्के चौके ही पसंद करते हैं। अभी तक तनवीर नहीं आए जनाब, तनवीर नहीं आए, उसने बैटिंग नहीं किया। किसके बारे में पूछ रहे आप, बैटिंग नहीं किया लगता है? वकार के बारे में नहीं, वकार का आना बाकी है अभी तक। नादिर टू आफ्ताब, शॉट डिलीवरी, गेंद चली गई बाउंड्री, छह रन के लिए जनाब। बॉल चेंज करो शाबाश, आफ्ताब आए और छा गए, दो गेंदों पर 10 रन जोड़े, पहला चौका फिर छक्का। ये अंपायर का फैसला होगा बहरहाल। अंपायर का फैसला कि ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, छह रन के लिए। आफ्ताब मेंगल बड़े खतरनाक मूड में आए और एग्रेसिव नजर आए, दो गेंदों पर 10 रन जोड़े अपनी टीम के लिए। मोहम्मद अनस मैसेज करते हैं हमें, कहते हैं वकार को बैटिंग पे भेजो, वकार का भी नंबर आएगा, देखना पड़ेगा। अभी बड़े बड़े बैट्समैन मौजूद है, इस मरतबा एक रन का इजाफा होगा। जहां तक मैं समझता हूँ इनिंग्स का चौथा ओवर जारी है, करम भाई इनिंग्स का चौथा ओवर जारी है, 126 रन के तहकुब में। अब अकील को ज्वाइन किया है आफ्ताब ने, आफ्ताब जूनियर ने, ये दो अहम विकेट होंगे, कम से कम एक विकेट और लेना पड़ेगा अगर मैच में वापसी करना है नादिर स्पोर्ट्स की टीम को। खासतौर पर अकील बड़े खतरनाक चक्के लगा चुके हैं, अब तक दो लंबे चक्के लगा चुके हैं इस मैच में। व्यूवर्स बढ़ गए हमारे जनाब, 20 व्यूवर्स हो चुके हैं, 20 व्यूवर्स आप शेयर करते जाए। ये है अकील, पावर ऑफ अकील, मैक्स इट आउट ऑफ द ग्राउंड, नदर सिक्स, एक और चक्का अकील के बल्ले से निकलता हुआ। गुलाम यासीन मेंगल ने भी ज्वाइन किया है, गुलाम यासीन मेंगल आपके छोटे भाई आए बैटिंग पे, आप लाजमी इनके चक्के देखना। एक मरतबा फिर वकार, गालिबन नादिर है बॉलर, ओवर का इशारा दे दिया यहाँ पे इस्माइल खान ने। चार ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, अकरम को सलाम, अकरम भाई आपको अरिया भाई कोई सलाम कर रहे हैं, अकरम भाई ने भी आपका सलाम का जवाब दिया है। आए सेट बाबर बलोच, वेलकम बाबर बलोच, वेलकम। चार ओवर के इस्तेमाल पर 55 रन हो चुकी है, 55 रन का मतलब है 45 और 26, जनाब आपको 71 रन मजीद दरकार है, 6 ओवर का आना बाकी है। रन औसत यकीनी तौर पर 11 समथिंग के औसत से रन बनाने होंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अकील आफ्ताब को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। दूसरी जानब बॉलिंग के लिए देखना होगा, मुझे लगता है आरिफ बिरुई एक मरतबा फिर आ गए। आरिफ बिरुई बड़े समझदार बॉलर है, स्लो बन भी कराती है, तेज कराती है, और इनका लाइन और लेंथ पे जो है बड़ा फोकस होता है। आरिफ भाई कम से कम एक विकेट तो चाहिए आरिफ भाई को यहाँ पे, अगर आरिफ को इस मैच में वापसी कर रहे हैं नादिर स्पोर्ट्स को, तो कम से कम एक विकेट चाहिए। और आफ्ताब मेंगल जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, वो पहली बता रहे हैं कि मैं चक्के के लिए जाऊंगा। ये लीजिए डाउन द लेग साइड घुमा दिया, अंपायर का इशारा कीजिए, वाइड बॉल है। Here we go. Wow, what a delivery, what a delivery by Ali. Completely receive किया आपने slow one गेंद पे, यहाँ पे बेहतरीन बॉल। कादिर अली मैसेज करते हैं सर टीम में 13 लड़के होते हैं तो फील्ड कितने, फील्ड में सिर्फ 11 होंगे कादिर। एक बार फिर आए, बड़ी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, रन बनाने का मौका नहीं होगा। अबीबुर रहमान सातानी, मुजीब भाई ने कितना स्कोर किया, मुजीब भाई सिर्फ एक चौका लगा सके आज, रन नहीं कर सके खास। और अब्दुल रहीम के कहना है कि जीरो हो सकता है, मैं गलत हूँ, डाउन द लेग साइड एक और वाइड। लोग बढ़ते हुए, व्यूअर्स हमारे बढ़ रहे हैं अकरम भाई, 20 तक पहुंच गए, ये सारे शेयर भी कर देंगे इनको। और मैसेजेस का भी जवाब आप सुनते जाइए कादिर। तो वाओ, इस मरतबा पावर ऑफ मुंडा, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, आफिस पोला के नाम से मशहूर। कोई बात नहीं शाबा, आफ्ताब जूनियर बल्ला खतरनाक अंदाज से जो है घुमाते हैं, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। कादिर का कहना है कि बाकी लड़के कहाँ होते हैं, जाहिर सी बात है ड्रेसिंग रूम में होंगे,
अगर 11 खेल रहे तो 2 से 3 वहाँ पे जो है ओपन साइड है, कोई भी बॉलिंग करे कोई भी बैटिंग करे, ये टूर्नामेंट का रूल है। और कादिर जो है साहबजादे अजी अब्दुल सत्तार बिरोही के, वो भी बड़े अच्छे क्रिकेटर है। इस बार स्लोवन बेहतरीन गेंद कमबैक किया, यहाँ पे आरिफ बिरोही ने बेहतरीन कमबैक किया। अब लेफ्ट हैंडर अकील सामना करेंगे, देखना होगा अकील किस तरह की बैटिंग करती है अपनी टीम के लिए। अब ये मुकाबला भी यकीनी तौर पर बेहतरीन मुकाबला जारी है। तेज आना या स्लो आना ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पे आरिफ बिरोही बड़ी अच्छी बॉलिंग करती हुई, लेकिन एक चक्का कंसीज कर चुके यहाँ पे आफ्ताब बिरोही ने, स्ट्रेट बाउंड्री को क्लियर किया। नौमान मौजूद थे लेकिन वो तमाशाई बन के रह गए। बड़ा अच्छा स्ट्रोक था आफ्ताब का, इसी ओवर में आउट होगा अभी लेफ्टी। अच्छा तो प्रेडिक्शन लतीफ बिरोही का सुनिए, हियर वी गो। आए हुटा दिया, क्या ये आउट है या 6 रन्स? नहीं जी, 6 रन्स आउट ऑफ द पार्क। अकील का पावर ऑफ अकील, बैक सीट आउट ऑफ द ग्राउंड। लतीफ बिरोही का कहना था कि लेफ्टी आउट होंगे, लेकिन लेफ्टी ने लगाया एक और चक्का। कादिर कहते हैं सर कल हमारा मैच है, मतलब अच्छा जी हाँ कल मेरा भी मैच है कादिर, बिल्कुल। एक मरतबा फिर आरिफ, इस बार सुबह अच्छी गेंद। इमदाद मक्सी वहाँ पे मौजूद है, 1 रन बना, एक ही रन पर महदूद रखेंगे। इमदाद मक्सी बड़े अच्छे फील्डर है। ओवर मुकम्मल हो चुका है जना, 5 ओवर से मुकम्मल होने पर इस्माइल खाना। इस्माइल भाई उधर से पूछ के बताना, 5 ओवर के बाद आपको स्कोर भी हम कंफर्म करते हैं। 5 ओवर के बाद 126 रन का टारगेट है बकायदा, तो 5 ओवर का खेल यानी कि 30 बॉलों का आना बाकी है। 71 रन हो चुके जनाब, 29 और 26। अगर इनको मैच जीतना है 29 और 26, 45 रन बकायदा रह गए, 4 ओवर का आना बाकी है। कल हमारा मैच है, कादिर भाई कहते हैं, फिर जवाब दिया है अरिया भाई ने कि आमना सामना होगा, तो कल खेलेंगे कादिर वर्सेस अरिया भाई, देखते हैं। बिलाखिर कैप्टन ने फैसला कर लिया, नौमान बिरोही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। काफी इंतजार था कि नौमान कब आते हैं बॉलिंग पे, आ गए नौमान। एक मरतबा फिर 30 गेंदों का आना बाकी है, 45 रन की जरूरत है। अच्छा 45 नहीं 55 चाहिए, लतीफ का कहना है। काउंट करें भाई, 55 चाहिए, 29 और 26, बिल्कुल 55 चाहिए। लतीफ यू आर राइट, बिल्कुल 24 पे 55। हियर ही कम्स नौमान, वाइड डिलीवरी को यहाँ पे खेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद है 1 रन। जब तक लेफ्ट हैंडर अकील मौजूद है यकीनी तौर पर पलड़ा बारी होगा यहाँ पे मुगल स्पोर्ट्स की टीम का। आफ्ताब भी बड़े आज आर्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं, लेकिन नौमान एक समझदार बॉलर है। नौमान का मजबूती तौर पर पहला ओवर, एक और ओवर भी बाकी है नौमान का। नौमान आफ्ताब को, वाह व्हाट अ डिलीवरी व्हाट अ फेस, लेकिन डाउन द लेग साइड वाइड का इशारा। स्विंग होती हुई ये गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, लेकिन निशाना दुरुस्त नहीं था यहाँ पे नौमान का, जिसके जरिए वाइड करार दिया अंपायर ने। 53 रन की मजीद जरूरत है, 23 गेंदों का आना बाकी है। मैसेजेस आपके जारी है, मैसेजेस हम आपको सुना रहे हैं, शेयर जरूर करें। अब बकायदा 4 ओवर का खेल बाकी है। नौमान बड़ी अच्छी गेंद, लतीफ भाई क्या कह रहे थे 24 गेंदे, मेरे हिसाब से 30 गेंदे रहती है, 5 ओवर बाकी है, 5 ओवर बाकी, जी हाँ बाकी 28 गेंदे रह गए। लतीफ भाई शकूर लेफ्टी ने कितने किया स्कोर, शकूर लेफ्टी ने एक ही चक्का लगाया फिर आउट हो गए। ये मैसेज था जनाब राफे हमें मैसेज कर रहे थे कि शकूर लेफ्टी आज जल्दी आउट हो गए एक चक्का लगाने के बाद।
अब लेफ्ट हैंडर अकील जो मैच का असल फैसला करेंगे, अभी भी क्रीज पे मौजूद है। बड़ी बेहतरीन बैटिंग की है अकील ने, उठा दिया, यही मौका है इमदाद, लेकिन चेहरा इमदाद नहीं थे। हेलो जी, बिल्कुल, हेलो हेलो, ग्राउंड हेलो, कोई बात नहीं, वसी में पार बॉल हो गई यार, गुड बॉल हो गई। आहा कपल फोन करते हो राठी मारो जी, बिल्कुल। और नुमान बिरोई की बात की जाए, नदीम भाई तो काफी अच्छा ओवर करते हुए अपनी टीम को वापसी लाने की एक कोशिश, क्या कहेंगे नुमान के बारे में, काफी नपी तुली बॉलिंग करते हैं और अब तक एक्स्ट्रा का रन भी एक दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा ओवर करते हुए। बिल्कुल नौमान की जो है मजा मस्त बिल्कुल जा रही है और बेहतरीन बॉलिंग करती है अपनी टीम के लिए, बिल्कुल मौका खराब नहीं करे यहाँ पे। दूसरे रन के लिए मुड़े, काफी सुस्त फील्डिंग, ये दो रन नहीं होने चाहिए थे, बहरहाल दो रन बनाए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब्दुल खालिक ने हमें ज्वाइन किया है, अकरम भाई को सलाम दो, अकरम भाई आपके लिए सलाम है, ये दो अकरम है क्लियर करें तो वालेकुम सलाम फिर भी, और बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे अकरम गबोल के लिए ये सलाम है या अकरम हंजरा के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नुमान बिरोई। और अब तक आफ्ताब भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि 126 जब बन जाते हैं तो चेज करना काफ़ी मुश्किल, एक रन पर महदूद रखेंगे, काफ़ी नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं नुमान, अगर ये एक और ओवर करते हैं तो यकीनी तौर पर मैच का कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, क्या कहेंगे नुमान के? बिल्कुल ओवर बहुत अहम होंगे, वो इसलिए लेट आए कि वो आखिरी में जो है दो से तीन अच्छे ओवर कराना चाहते थे, उनको पता है कि अकील अभी भी क्रीज पे मौजूद है, आफ्ताब का आना बाकी था, तो अपने ओवर्स बड़े लेट कराए जानबूझ के, जहाँ तक मैं समझता हूँ अब इमदाद का ही चांस है कि इमदाद अमरी कोटे का दूसरा ओवर कराने के लिए आएंगे अब, क्योंकि अब चार ओवर्स का खेल बाकी है। इस्माइल खाना ओवर स्कोर बताओ, 81 छः ओवर में, छः ओवर के इख्तिताम पर 81 यानी कि बकाया मंदा 1926, अकरम भाई 45 अभी रह गए जी बिल्कुल, और यकीनी तौर पर हम तो पिछले में 45 बचा के बैठे थे, लेकिन जिसने भी ये बोला बहुत ही आला बोला उसके लिए भी दांत बनती है ना सर, लेकिन उसकी भी ये गलती है, उन्होंने 24 गेंदों का कहा, हालांकि 30 गेंदे बाकी थी, एक जगह पे हम रहोंग तो एक जगह पे वो भी हो गए, लेकिन खैर बहरहाल बॉलिंग पे किसको लाया जा रहा है, इमदाद भाई को लाया है जी, इमदाद काफी अच्छे बॉलर हैं, ये ओवर मैच को एक तरफ ले जाएगा देख लेना, या इधर या उधर, यहाँ पे एक प्लानिंग देख लेना, अभी इमदाद ओवर कराएंगे, इसके बाद नौमान का एक ओवर है वो फोर ही आ जाएंगे, अकील अगर अकील विकेट पे खड़े रहती है तो एक से दो विकेटे ये नौमान के ओवर में या तो इमदाद के ओवर में आ गए तो यकीनी तौर पर गिरफ्त मजबूत होगा नाजिर स्पोर्ट्स की टीम का। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी प्लानिंग से टीम चलाते हुए, और जिस तरह अकील बिरोई की बात की जाए, कमाल की बल्लेबाजी और काफ़ी ज़बरदस्त छक्के देखने को मिले शैकी ने क्रिकेट को, तो क्या कहेंगे आप खसूसन अकील के बारे में? अकील बड़े समझदारी से बैटिंग करते हुए जो यकीनी तौर पर छक्के का बॉल है उसको छक्का ही लगा रहे हैं, और रिस्पेक्ट जो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे बॉलर को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। फरीद बलोच ने कहा गुड, स्कोर कितना चाहिए? 45 चाहिए, 24 गेंदों पर वाइड का इशारा, यहाँ पे इमदाद मक्सी का पहला बॉल वाइड, और यकीनी तौर पर जोर लगाता है बॉलर और स्लिप होता है जिसकी वजह से रिदम टूटता है यहाँ पे। जहांगीर शाह ने हमें मैसेज किया कितना चाहिए, 24 गेंदों पर 45, अब 24 गेंदों पर 44 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। आफ्ताब अभी भी क्रीज पे मौजूद है, इस बार डाउन लेग साइड वाइड का इशारा, एक और वाइड, इमदाद अपने लाइन और लाइन मेंटेन रखने में काफी दुश्वारी इमदाद को जी बिल्कुल, और अगर मैच जीतना है तो इस ओवर में कम से कम रन देने होंगे नादर स्पोर्ट्स की टीम को, अदरवाइज काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डेंजरमैन अकील और आफ्ताब मैंगल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। अकरम भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आया है अब्दुल रहीम का कि सन्ना बिरोई का मैच कौन से पेज पे चलेगा, ये हमें भी नहीं पता क्योंकि GPL तो ये पेज पे गबोल किंग पे चल रहा है, सन्ना बिरोई कौन से पेज पे चलेगा, अगर चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। जहांगीर शाह का कहना है कि गुड कमेंट्री सर नदीम, थैंक यू जहांगीर भाई, थैंक यू जहांगीर भाई। एक बार फिर ऑन द विकेट अकील बिरोई को बॉलिंग करते हुए,
इमदाद मक्सी, बहुत ही अहम बॉल होगी ये, काफी जबरदस्त गेंदबाज और उतने ही अच्छे फुल टॉस बॉल, लेकिन काफी दूर आरिफ हसनी के पास ये बॉल गई, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। अपील कर रहे थे बैट्समैन नौ बॉल का, लेकिन मैं समझता हूँ बेहतरीन अंपायरिंग का मजा यहाँ पे इस्माइल खान का, क्योंकि ये लीगल बॉल था, इतनी ज्यादा हाइट थी नहीं, और बेहतरीन डिसीजन, एक रन पर महदूद रखा। आप सामना करेंगे डेंजर मैन ऑफ स्पोला के नाम से मशहूर आफ्ताब जूनियर, हियर ही कम्स, उठा दिया, ये मौका है, ये है मौका जी बिल्कुल, और वही जिसका डर था वही हुआ कि एक विकेट गवा बैठे आफ्ताब मैंगल। ये विकेट नहीं जानी चाहिए क्योंकि काफी अहम जगह पे ये मैच, लेकिन विकेट बिल आखिर लेने में। अकरम भैया प्लानिंग देखिएगा, नौमान ने बेहतरीन प्लानिंग करते हुए इमदाद, फिर उसके बाद दोबारा नौमान आएंगे, लेकिन आफ्ताब ने जहाँ मिस कर दी, उनको पता भी है कि कम से कम जो है दो आखिर के जो ओवर्स आएंगे वो एक्स्ट्रा बॉलर्स होंगे, वहाँ पे इनको रन करने थे, इमदाद को जरा थोड़ा सा डिफेंड करना था। बहरहाल यहाँ जूनियर्स ने गलती की उस्ताद, इसके बाद कोई और मैच है क्या? अताउल्लाह बिरोई कहते हैं, अताउल्लाह बिरोई को भी वेलकम करते हैं जी हाँ, सनौ बिरोई वर्सेस अल्ताज का मैच है, चैलेंजर कप का सेमीफाइनल खेला जाएगा और मैंगल 11 की टीम वहाँ फाइनल में मौजूद है, तो सेमीफाइनल की दौड़ में अल्ताज और सनौ का आज फैसला है। इस मैच की बात फौरी खेला जाएगा वो मैच, यार मुझसे तो अच्छा प्लेयर खेल रहे हैं फिर मुझे जीपीएल में क्यों निकाला? ये कौन है जी? जनाब ये अब्दुल खालिक का कहना है कि मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अकरम कबूल साहब दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसे भी खेलना चाहिए था, एक बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन, कहीं वो लेफ्ट हैंडर अब्दुल खालिक जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बहुत कमाल की, कमाल की, उनको खेलना चाहिए था। बहरहाल टाइम पास में जो थे सीपीएल में तो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उसको वाकई खेलना चाहिए। इमदाद एक बार फिर अच्छी बॉल, वकार खान है बल्लेबाज, विकेट नहीं गंवाना चाह रहे गालिबन, अच्छी बॉल मिली थी, छक्के पे भी जा सकते थे, ये सिंगल लेने का क्या मकसद है जनाब? वो रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, बाकी बकायदा बॉलर्स जो आएंगे उन पे जो है वकार चाहिए, वकार यही चाह रहे कि उन पे जो है वो हिट करे और रन बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इमदाद इनका मेन बॉलर है, उसके बाद फिर नौमान का एक ही ओवर है, फिर दो एक्स्ट्रा जो है ओवर्स इनके पास है, चाहे वो एक नादिर बिरोई का ओवर है, एक ओवर तो है वो न्यू बॉलर कराएंगे। बिल्कुल, और सुपर बॉल भी बाकी है, सबसे बड़ा मसला होता है सुपर बॉल, तो काफी मुश्किल होती है। एक बार फिर इमदाद, अच्छी बॉल और बहुत ही अच्छी बॉल, यकीनी तौर पर शो कराया सीनियर बॉलर होने का, जिस तरह के करना चाहिए ओवर उसी तरह का ओवर एक्सेप्ट कर रही थी टीम, वही कर रहे हैं। क्या कहेंगे इमदाद के बारे में? इमदाद यकीनी तौर पहले ओवर में सुस्त जरूर थे, वो रिदम नहीं था, लेकिन दूसरे ओवर में जिस तरह के कमबैक इमदाद का, जो क्लास की बोली कब तक जारी, ये अकील है, आउट होने का खतरा, फील्डर वहां पे मौजूद है, नहीं जी, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए, ये मौका था गवा दिया फील्डर ने, चार रन का इजाफा होगा। न्यू फील्डर थे और बच्चा था, लेकिन कैच ये काफी महंगा हो सकता है, यकीनी तौर पर ये मैच डुबा सकता है ये कैच, और जो इमदाद करने आए थे वो अपने मकसद में यकीनी तौर पर कामयाब रहे। अकरम भाई यहाँ पे सात ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, बकायदा तीन ओवर का खेल है, स्कोर हम पूछेंगे। इस्माइल खान, इस्माइला, असमेल भाई, वकार लव, शुक्रिया बासित भाई आपने यहाँ पे लव शो किया है वकार के लिए, वकार बैटिंग करके आ गए, अच्छा बैटिंग करने के लिए आ गए, बिल्कुल आ गए जी, वकार आ गए बैटिंग करने के लिए। 93 मतलब कि 7 और 26, बाकी रह गए 23 रन आपके, 26 और 7, बिल्कुल बिल्कुल 33 रह गए ना, 33 तीन ओवर का खेल बाकी है, 33 रन चाहिए। अब आएंगे, अगर बैट, मैं समझता हूँ जो मेरी थिंकिंग है, नौमान को अभी बॉलिंग के लिए आना चाहिए, क्योंकि अकील जो है, अगर वो अकील का विकेट लेते हैं तो मैच में वापसी होगी, लेकिन नौमान ने कुछ मुख्तलिफ फैसला किया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो नादिर को यहाँ पे बॉल दे रहे, पूछा रहे कि ये ओवर नादिर करे और नौमान अपना ओवर बचाएंगे आखिर के लिए, लेकिन ये गलत प्लानिंग है, बिल्कुल गलत प्लानिंग है जनाब, क्योंकि मैन विकेट अभी ये सामने आपके, अगर यहाँ से हम आप अकील को आउट करते तो मैच ही फिनिश है। सलाउद्दीन को लाए हैं गेंदबाजी के लिए, काफी अच्छे बॉलर हैं। अच्छा सलाउद्दीन का एक ओवर बाकी है जनाब, सलाउद्दीन को लाए हैं, काफी अच्छी बॉलर हैं और काफी अच्छा ओवर भी किया पिछले और पहले ही ओवर में विकेट दिलाई थी। अब्दुल रहीम का कहना है लेफ्टी अगर आउट हो गए तो चेस करना मुश्किल होगा, हम भी यही सोच रहे हैं, अब्दुल रहीम अगर लेफ्टी आउट होते तो चेस करना मुश्किल होगा,
18 गेंदे 33 रन, लेफ्ट हैंडर के लिए यकीनी तौर पर चांस है। वकार 50 रन 100 पे मेरी तरफ से, अच्छा 1000 रुपीस वकार के 50। वकार अभी रन ही चाहिए 33, तो वकास का जो है 50 ये पॉसिबली नहीं है। अच्छा तुक्का लगाया है, लेकिन जिसने भी लगाया गुड लगाया। एक बार फिर सलाउद्दीन सामना करेंगे वकार खान, देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। अकरम अंजर आपसे भी एक सवाल पूछा कि आप कौन सी टीम में हो, ये सवाल पूछा। कल हमारा द बैंक ऑफ प्रॉपर्टी की टीम में हूँ। अच्छी शॉट स्टेट की जानिब खेले, एक ही रन पर महदूद रखेंगे जी। कल हमारा 1:30 बजे मैच है जी। ओके जी, अकरम भाई कलेक्शन में नजर आएंगे। मोहम्मद आसिफ बिरोई, मोहम्मद आसिफ बिरोई को भी वेलकम करती है। अब 20 लोगों ने हमें ज्वाइन किया, ये मैच देख रहे हैं। 17 गेंदों पर 32 रन की जरूरत, 17 गेंदे 32 रन की जरूरत। अकील आ गए स्ट्राइक पे, अकील यही मैच का फैसला करेंगे। शुरू से हम करते कहते आ रहे, अब बिल्कुल आखिरी लम्हात मैच के, 17 गेंदे और 32 रन की जरूरत बिल्कुल। और अगर बात की जाए अकील जहां पे अगर आउट करने में कामयाब हुए तो फिर डू एंड डाई हो सकता है, अदरवाइज काफी मुश्किल है। बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर वहां पे मौजूद थे आरिफ, लेकिन गेंद चली गई बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन और 4 रन के लिए खेल दिया, तो पहला शॉट खेला है जो कवर की जानिब खेला है। यकीनी तौर पर मिड विकेट और स्ट्रेट और लेग की तरफ ही खेलते रहे तमाम शॉट्स, ये पहला शॉट देखने को मिला है सर। बिल्कुल अकरम भाई, यहाँ पे अल्ताज की टीम भी आ चुकी है, अकनवाज कुरबान वो दूसरे मैच के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अकरम भाई आपके लिए मैसेज है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अकरम भाई फिर तो आपके साथ हमारा मैच है, रेडी रहना। कौन है भाई ये कह रहे हैं? आर्या भाई, आर्या खान जी, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आपको हराएंगे। जानजेब असनी ने भी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम जानजेब असनी। 21 लोगों ने ज्वाइन किया है, 17 बाकी 16 गेंदों पर मजीद 28 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अकील अभी भी क्रीज पे मौजूद है, दीवार बन के मुकाबला कर रहे हैं अकील। कमाल की बैटिंग अकील की जा रही है अब तक जी। बिल्कुल दीवारें चीन बन चुके हैं, जो सबसे बड़ी दीवार है ना, तो वो ही बन चुकी है। व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी, इस बॉल का जवाब ना था अकील के पास ना कोई हा, और बहरहाल बेहतरीन कमबैक यहाँ पे जी। मैं भी अकरम भाई की टीम में हूँ सर, कादिर अली का कहना है कि मैं भी अकरम भाई की टीम में हूँ जी। माशाल्लाह कल टाइम पे पहुँचिएगा भाईजान, 1:30 बजे हमारा मैच है, लेकिन 1 बजे पहुँचना है ग्राउंड। अच्छी बॉल, क्या बोले कर रहे हैं सलाउद्दीन, क्या कहेंगे बॉलर के बारे में, काफी समझदारी से गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल ही संभलने का मौका नहीं दे रहे। लेफ्ट हैंडर्स के लिए यही लाइन चाहिए, कमाल की, बिल्कुल मौका फराम नहीं कर रहा है। अकील के लिए कोई चांस नहीं कि इस बॉल को हिट करे, आखिरी 2 बॉलों पर सिर्फ 1 रन दिए, बाकी रह गए 27 रन। अकरम भाई इसके बाद 2 ओवर का आना बाकी है जी। बिल्कुल, और 2 बॉले भी तो मेरे ख्याल में इनकी बाकी हैं, तो काफी जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा, और सुपर बॉल जो है वो भी बाकी, सुपर बॉल का भी आना बाकी है। सलाउद्दीन अब वकार को, वकार ने गेंद को ड्राइव किया, 2 रन बनेंगे जी, बनेंगे या नहीं या? और ये जी नहीं जनाब, फंबल हुआ था, अगर पहला रन फास्ट लेते तो यकीनी 2 रन थे, क्या कहेंगे नदीम भाई? हाँ बिल्कुल 2 रन, लेकिन अकील काफी अरसे से बैटिंग कर रहा है, मुझे लगता है वो थक भी चुकी है। सल्लो बिरोही का मैच कौन से पेज पे चलेगा अकरम भाई, ये जवाब हमारे पास भी नहीं अभी तक। वकार छक्का मारो, वकार छक्का मारो, बासित का कहना है। उमर मरी ने ज्वाइन किया, वेलकम उमर मरी द कॉलू एक्सप्रेस। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, यही मौका है नहीं जी। ये देखे जी, किस्मत की देवी भी आज काफी मेहरबान है अकील पे। बिल्कुल एक और चांस मिल चुका है, यहाँ पे 2 रन हासिल किया अकील, ओवर हो गया मुकम्मल, यहाँ पे 2 ओवर का खेल बाकी है जी। बिल्कुल 2 ओवर, हफीज भाई कितने चाहिए 2 ओवर में? कोलू एक्सप्रेस को वेलकम कहेंगे उमर मरी, काफी उमर मरी का सवाल आया कि शकूर ने कितना स्कोर किया, शकूर ने 1 छक्का मारा उमर भाई, पहला छक्का फिर आउट हो गया, अनफॉर्चुनेटली एज एंड स्ट्रेट टू द विकेट कीपर। 12 गेंदों पर 24 रन की जरूरत, मैच 50-50 बिल्कुल, नौमान का एक ओवर बाकी है, मैच 50-50 है बिल्कुल। और 11 की एवरेज थी इस ओवर से पहले और अब 12 पे चली गई है, तो क्या कहेंगे, जो सुपर बॉल है वो काफी मुश्किल लग रही है जो टीमों के लिए, ये जो अकरम भाई ने ये सीन किया हुआ है तो काफी बॉलर के लिए मुश्किल। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे, तबीयत कैसी आपकी, कैसे चल रहा है काम आपका माशाल्लाह से, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। दानिश खान
नहार, दानिश खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अब 22 लोग इस मैच से लुत्फानंदोज होते हुए यहाँ पे मुकम्मल एक प्लानिंग होनी चाहिए। वकार को इटकी लिए जाना है, अकील को जो है लास्ट ओवर के लिए रुकना चाहिए। बिल्कुल, और आप कोचिंग भी कर रहे हैं नदीम भाई। पौने चार बज गए, यहाँ पर कदीर भी इन एक्शन है जी, बहुत ही जबरदस्त। 12 गेंदों पर 24 रन। थैंक्स उस्ताद, वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी नाइस सेड रोशन अली। मोहम्मद नबील ने भी हमें ज्वाइन किया है, रोशन अली को भी वेलकम करती है। नौमान आ गए बॉलिंग पे, पहले बेहतरीन ओवर कराया था जी बिल्कुल, और 12 बोले 24 रन। देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी मेरे ख्याल में वकार खान ने आपकी बात सुनी है, छक्के पे ही जा रहे थे, और यकीनी तौर पर अगर सिंगल डबल से भी काम चलाए तो मेरे ख्याल में आगे बोलर नहीं है। आधा कैमरा साफ रखो जना, मैसेज आया है रोशन अली का। आधा कैमरा यार, थोड़ा सा आज मोबाइल का इशू है, इंशाल्लाह कल आपको बेहतरीन रिजल्ट फराहम करेंगे। नौमान, वाह, ये मौका है। आरिफ ब्रो, ये फील्डर आरिफ नहीं जी, सलाउद्दीन ने कैच किया, वकार खान आउट हो गए यहाँ पे। बड़ा विकेट जी बिल्कुल, एक बड़ी अहम जगह पे विकेट मिली है, और अब तक 2 बोले डॉट भी हो चुकी हैं। कह सकते हैं कि आने वाली 10 बोलों पर 24 रन दरकार। अकरम भाई, बाकी 4 गेंदे नौमान की बाकी है, मेरे हिसाब से अगर 5 से 6 रन 20 ओवर में करती है, आखिरी ओवर चट्टा बॉलर आके कराएंगे, मेरे हिसाब से 17-18 रन बन सकती है वापस। सुपर बॉल भी है, अकील उनके सामने है जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था, और वकार खान ने आपकी बात नदीम भाई सुन ली थी, वो छक्के पे ही जा रहे थे, तो यकीनी तौर पर अगर प्लान के साथ खेलें तो यकीनी तौर पर। अकरम भाई, असल में आपको नहीं पता ना, मैं नौमान को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वकार आउट हो जाए। ये बात तो जी, सियासत कर रहे हैं नदीम भाई। 25 लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, पहली मरतबा व्यूअर्स हमारे बढ़ते हुए। अब 10 गेंदों पर 24 रन की जरूरत, ये मैच टक्कर अब बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प सूरत अख्तियार करता हुआ ये मैच। मुजीब सातानी को कहीं जाना है, वो बार बार टाइम पूछ रहे हैं। जी जी, एक और मैच है मुजीब का, कहाँ पे मैच है मुजीब भाई? अपनी लीग में, यानी कि सातानी प्रीमियर लीग। बिल्कुल, कोई 15-20 साल गुजर गए सातानी प्रीमियर लीग, लेकिन हमें कभी मौका नहीं दिया मुजीब भाई ने। नहीं, सतानी सुपर लीग जो होती है, ये लोग हमें क्यों नहीं इनवाइट करते हैं? मुजीब भाई, जवाब है कोई? तो सारे इलाके वाले हैं, सारे इलाके वाले अली रजा आ चुके हैं जी, देखते हैं एक साथ खेलते हैं, ये सारा एक यूनिट है। नुमान हो गया, अली रजा हो गया, एक बार फिर, और ये वाइट रन बनने चाहिए, वो लेग बाई हो, बाई हो, किसी भी सूरत मुगल स्पोर्ट्स की टीम को रन चाहिए। बस बासित अली का कहना है कि नवीद या तो बासित को आना चाहिए बैटिंग के लिए, देखते हैं। लेकिन अली रजा आ गए, देखना होगा अली रजा किस तरह की बैटिंग करती है। 23 रन की जरूरत है 10 गेंदों पर जी बिल्कुल, और कोई मेरे ख्याल में मुश्किल भी नहीं, सुपर बॉल का आना भी बाकी, और यहाँ पर लेग बाई की सूरत में 1 रन जरूर मिलेगा, और दूसरा भी बना सकते हैं जी। गलत थे मुजीब सातारी की जानिब से, गैर जरूरी यहाँ पे रन दिया है जी बिल्कुल, और स्ट्राइक पे अली रजा को रखना चाह रहे हैं, ये भी आप प्लान देखें। गड्डा टाउन के एक और स्टार क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर, 8 बॉल को बड़े तरजीह दिए थे, बड़ी मेहनत की इन्होंने, अभी अभी आधी में साउथ अफ्रीका खेल के आ गए। मोहिबुल्ला बिरोही ने हमें ज्वाइन किया है जी बिल्कुल, वेलकम कहते हैं मोहिब को, और बहुत ही अच्छे स्टार है हमारे, और बहुत ही प्यारा बच्चा है, और बड़ा तमीजदार बच्चा है, तो ये कह सकते हैं इसके बारे में। एक बार फिर नौमान, और यहाँ पर एज लगा है, चौका होगा नहीं दिया, हो गया चौका, हो गया चौका, हो गया चौका, यही रन चाहिए थे। मुजीब सातानी के लिए एक मैसेज आया है कि अबीबुर रहमान सातानी आपके लिए मैसेज कर रहा है मुजीब भाई, कि जल्दी आ जाओ, मैच स्टार्ट हो रहा है भाई, जाओ जी। ओहो, तो अबीबुर रहमान भाई, आपको आपके पास अगर कोई एरोप्लेन वगैरह है तो फौरी मुजीब के लिए भेज दे, मैंगल स्टेडियम में उतारें और ले जाएं। और ये नुमान की काफी रॉन्ग बॉल थी, काफी बाहर बॉल किया और इनसाइड एज हुआ, 4 रन का इजाफा मुगल स्पोर्ट्स के खाते में। अच्छी बॉल, लेकिन लेग बाई की सूरत में रन जरूर मिलेंगे। क्या कहेंगे नदीम भाई, आखिरी बॉल है गालिबन मेरे हिसाब से, तो अगर अकील ये विकेट नहीं देते तो यकीनी तो इस ओवर में रन शायद 4, 2, 6, 8 रन आ चुकी है।
जी बिल्कुल 16 रन चाहिए, अकील को सिंगल करना चाहिए अभी जी बिल्कुल, सिंगल करे आखिरी ओवर में 15 रन बन जाएंगे। किस तरह बनेंगे आपको पता है, सुपर बॉल पे चक्का लगाया तो मैच ही खत्म, मैच ही फिनिश हो जाएगा। बहरहाल अकील की क्या प्लानिंग है वो देखने वाला होगा, लेकिन नौमान को विकेट के लिए जाना चाहिए, यहाँ पे नौमान को जाना चाहिए विकेट के लिए जी। अगर विकेट मिली तो यकीनी तौर पर ये मैच नादिर स्पोर्ट्स जीतने में कामयाब हो सकता है। अकील ने खूबसूरत शॉट खेला, क्या शानदार, तीन बनेंगे चार बनेंगे, तीन बनेंगे चार बनेंगे, बन गए चार रन, चौका हो गया चार रन जी, चार रन। काफी अच्छा शॉट और पॉइंट के ऊपर से खेला, और इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत, लेकिन काफी अलग कंडीशन हो गई हमारी सोच से भी, जिस तरह हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बेहतरीन, अच्छी प्लानिंग के साथ अगर तीन रन भी बन सकते थे, चार भी प्लस सिंगल भी, अगर सिंगल भी होता तो अकील के लिए फायदा होता। बहरहाल अली रजा स्ट्राइक पे है, अब किसी भी तरह अकील को जो है स्ट्राइक पे आना चाहिए, अगर बॉल मिस भी हो जाए तो अली रजा को यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी, खड़े रहना है और अकील को स्ट्राइक दे। कितने रन रह गए अंपायर भैया? 12 रन बन चुके हैं, बाकी रह गए 12 रन, अगर सुपर बॉल पे चक्का लगाओ तो मैच ही फिनिश है। और ये एक आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, प्रोग्राम बढ़ गया तो ये भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है आउट होने पे, तो अकील इतनी जल्दी मेरे ख्याल में सुपर बॉल नहीं लेगा, क्या सोचते हैं आप? अकील तकरीबन आखिरी बॉल के लिए जाएगा यहाँ पे जी बिल्कुल, और सुपर बॉल का एक नुकसान भी है वो ये कि जनाब एक से दो आउट हो जाएंगे आपकी अगर विकेट मिलती है तो। यही बात है, और इसीलिए ये बॉल अगर ये आउट नहीं होता तो मैं कहता हूँ कि पहले ही ले लीजिए। अकील के लिए एक मैसेज आया भासिद अली की जानिब से, अकील भाई हिम्मत करो, अब दूर नहीं है, अब मुश्किल नहीं है जी बिल्कुल, ऐसा ही है, लेकिन काफी आसान मैच तो लग रहा है, लेकिन बॉलर भी नॉन रेगुलर ही आएगा, अकील अजहर मेंगल आ चुके हैं, अजहर मेंगल आए बॉलिंग करने के लिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जमीर आएंगे बॉलिंग पे, लेकिन जमीर नहीं आए, जमीर को आना चाहिए, सीनियर बॉलर हैं और काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। भारत अजहर मेंगल आ चुके हैं, अली रजा देखते हैं किस तरह की, अली रजा सरेकी हैं और देखते हैं किस तरह की, कप्तान के मेरे ख्याल में रिश्तेदार भी हैं तो रिश्तेदारी निभाते हैं या नहीं, और ये सिंगल हो गया जी, लो जी जो वो चाह रहे थे वो हो गया, अब क्या कहेंगे जी? अब अकील आ गए स्ट्राइक पे, अकील तो मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि पहली बॉल पे वो सुपर बॉल ले ले जी बिल्कुल, क्योंकि लेकिन वो देखना चाहेंगे कि नहीं, चक्का अगर हो गया तो मैच ही फिनिश है बिल्कुल, वो देखना चाहेंगे कि क्या बॉलर किस तरह की गेंद करता, अगर अजहर 12 रन सेव किया तो मेरी तरफ से 2000 रुपए, माशाल्लाह जी बड़े इनाम रहीम। सेकंड मैच कौन से पेज पे चलेगा? अमा अजी कोई भरोसा नहीं है, कौन से पेज पे चलेगा जी, हमारे भी इलम में नहीं है। अकील बिग अपील, बिग अपील नहीं जी, अंपायर को मुतासिर नहीं कर सके यहाँ पे, और यहाँ पर अंपायर का इशारा नॉट आउट, तो काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए अब तक, लेकिन बेहतरीन बॉल किया यहाँ पे अजहर ने, गेंद आई विकेट कीपर के पास, तो यहाँ पर और विकेट कीपर यहाँ पे मुजीबुर रहमान, मुजीब कह रहे थे कि 100% नहीं 200% आउट है ये जी बिल्कुल, मुजीब सतानी काफी शरारती प्लेयर है और काफी मजे के, चार गेंदों पर अब 11 रन दरकार है जी बिल्कुल, और सुपर बॉल भी बाकी है किसी वक्त भी, और लेग साइड पे जो शाइकिन देख रहे हैं आप बार बार वो इशारा कर रहे हैं अकील सुपर बॉल, अकील सुपर बॉल जी बिल्कुल ऐसा ही है, और सुपर बॉल ले लीजिए, जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गए, अकरम गवोल भी आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, ये अजहर आए, आए वाइड करा दिया अंपायर ने, और ये दो रन काउंट होंगे जनाब, ये है सुपर बॉल प्रेशर, ये है प्रेशर, चार गेंदों पर 9 रन एक बार फिर, ये मैच हो गया खत्म, अकील बिरोई की दाद देनी होगी, बाकी आज जिस तरह का मैच खेला है इस बल्लेबाज ने शायकीनी क्रिकेट का, और आपका दिल खुश हुआ या नहीं? बिल्कुल, जो मैं बता रहा था कि सुपर ले लो, सुपर बॉल ले लो, मैच ही फिनिश है, आप कह रहे थे वो एक फिल्म आती है बादशाह, ले लो ले लो ले लो, और बच्चे भी वहाँ से यही बोल रहे थे ले लो ले लो ले लो, अकील बिरोई अकील जो बैट्समैन थे उनको काफी सपोर्ट में देख रहा हूँ, बार बार यहाँ पे शायकीन की आवाज आ रही थी बिल्कुल, और माशाल्लाह बहरहाल तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, थैंक यू वेरी मच, कल तक के लिए खुदा हाफिज।